मैम, कल जो किसानों का प्रदर्शन है उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हम पिछले 3 दिन से कॉन्टिन्यूसली सभी किसान जो संगठन हैं, जो लोकल लीडर्स हैं, उनसे हमारी रेगुलर बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने 21 को भी इनके साथ बातचीत की है, उसके पश्चात इन्होंने हमें एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। माननीय कमिश्नर, जो डिविजनल कमिश्नर सर हैं, उन्होंने भी कल स्वयं बात करके इन्हें न्योता दिया है कि ये आए, प्रशासन उनसे बातचीत करेगा और जो भी उनकी न्याय संगत तर्कसंगत मांगे हैं उन पर बहुत आराम से विचार किया जा सकता है। इस प्रकार से हम यदि बहुत जब बड़ी जनसंख्या में इकट्ठे होते हैं तो लॉकडाउन की भी वायलेशन होती है, और इसके साथ साथ ही जो कोविड बीमारी, कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है हिसार में और इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, वो और भी ज़्यादा फैलेगा और इससे आम जन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो पीसफुल प्रोटेस्टर है किसानों का, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जो लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी बात रखना चाहते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, परंतु प्रशासन बार बार समय समय पर उन्हें बातचीत करने के लिए बुला रहा है, और मैं अनुरोध करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि वो आएँ। जो भी मुद्दे हैं हम उन्हें बातचीत से हल कर सकते हैं, और बातचीत से जो हल होगा, जो फैसला होगा, वो बहुत ही अच्छा भी रहेगा और सबके हित में, और एक बड़े जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो इसी चीज़ में है कि वो हमसे बातचीत करें, वार्तालाप करें, और हम हर समस्या का समाधान उससे निकाल सकते हैं। प्रदर्शन को लेकर किस तरीके की तैयारियां जो है पुलिस की तरफ से की गई हैं, क्योंकि काफ़ी मात्रा में आरएएफ की कंपनियां भी बुलाई गई हैं? पूरी जो है मुकम्मल वो हमने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करके रहेंगे और शांति के साथ में जो भी प्रदर्शन वगैरह है वो शांति के साथ में जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो डीसी मैडम ने बताई वो है कि 3 दिन से हम जो है ना बातचीत के लिए इन्वाइट कर रहे हैं नेताओं को, और अब भी जो है वो न्योता खुला हुआ है तो वो एक्सेप्ट करें और बातचीत के लिए टेबल के ऊपर आएँ। हर बात का समाधान बातचीत के जरिए से निकल सकता है। बातचीत का जरिया तरीका, अगर बातचीत के बावजूद इसके बाद नहीं मानते हैं, अगर प्रदर्शन होता है तो उसके लिए फिर किस तरीके से तैयार है? हाँ, वो पूरी तैयारी कर रखी है, आप देख रहे हैं, और सही तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से सारे प्रोग्राम को निपटाएंगे। हमारी डिप्लॉयमेंट है ना वो सफिशेंट। आरएएफ की सर कितनी कंपनियाँ बुलाई गई और बाहर? हाँ जी, नम्रता जी बताइए कि अगर अभी रात को या सुबह के लिए कोई न्योता आता है बातचीत का, तो क्या किसान जो है बातचीत के लिए तैयार है? देखो जी, बातचीत के से तो हल होता ही है हर बात का, हर समस्या का। किसान और हमारे संगठनों की तो कोई टकराव की नीति तो है ही नहीं। लाठी चार्ज किया बेकसूर किसानों के ऊपर, और रोक करके दौड़ा दौड़ा करके महिलाओं तक को पीटा, और उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए, जबकि एक टेबल के ऊपर आईजी साहब और डीसी मैडम और हमारे बलवान सिंह राणा जो एसपी सर हैं, इनके साथ हमारे संयुक्त मोर्चा की 16 तारीख को शाम को फैसला हो चुका था, वे कोई मुकदमे नहीं होंगे, वादा खिलाफी की गई। इसलिए किसानों का प्रशासन के ऊपर से, विशेष करके पुलिस महकमे से तो बिल्कुल विश्वास उठ चुका। अब रही प्रशासन के न्योते की बात, डीसी मैडम के दफ्तर से कोई उनका पीए है या कलर्क, हम तो उसको जानते भी नहीं। उनके बार बार दो चार बार हमारे दो चार साथियों के पास टेलीफोन आए, खुद का प्रतिनिधि मंडल उनके मातहत अधिकारी भी हैं, हमारे चारों टोलों के ऊपर हमारा नेतृत्व तो बैठा है, और हमारी किसान सभा का धरना आज भी 3-4 घंटे हम धरना लगा करके सेक्रेटरियट के सामने आए हैं। हमसे फेस टू फेस मिलने के लिए प्रशासन का कोई छोटा बड़ा अधिकारी नहीं आया। अगर आते, कोई बातचीत का माहौल ईमानदारी से करते, तो हम हमारे संयुक्त मोर्चा और हमारे खापों के जो प्रतिनिधि प्रधान हैं उनसे संपर्क करके हम बातचीत का माहौल तैयार करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अकेला हिसार की किसान सरदारी ने इसको न मुनासिब समझा और न बढ़िया ढंग से हमारे पास फेस टू फेस कोई अधिकारी हमें बुलाने के लिए, टेलीफोन पर, वो भी उनके छोटे कर्मचारी, हम नहीं जानते वो कौन है। नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, जिला प्रधान किसान सभा अखिल भारतीय किसान सभा। बताइए कि जिला प्रशासन की तरफ से बातचीत का न्योता दिया गया है, उपायुक्त ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और जो किसानों की मांग है उसके हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। देखो जनाब, उपायुक्त महोदया ने वरौली कहा है, एक तो उनका खुद का अपना कोई रिटर्न में मतलब कोई मैसेज नहीं था किसानों के पास या किसान संगठनों के पास, संयुक्त मोर्चे के पास, क्या ये आप बातचीत करिए। हमने अपना एजेंडा देना था, एजेंडा आज से 3 दिन पहले उपायुक्त महोदया को, वो हमारी धरने पर आई थी, हमने उनका स्वागत किया, उनकी बातचीत का स्वागत किया, उन्होंने हमारी बातचीत सुनी और समस्याओं के हमने अपनी बातें रख दी थी, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। आइए बात करिए, कभी किसी पीए का टेलीफोन होता है, कभी किसी सीआईडी वाले पुलिस कर्मचारी का,
टेलीफोन आता कि ही जिम्मेवार व्यक्ति का कोई भी मतलब प्रशासनिक अधिकारी का टेलीफोन नहीं था। हमने ये कहा फिर इकट्ठे होकर बाटोपट्टी टोल के ऊपर पूरी पंचायत इकट्ठी हुई थी कि उपायुक्त महोदया अगर आपको हमारे से बात करनी हो तो हम बाटोपट्टी टोल के ऊपर हैं, हमें मैसेज दीजिए रिटर्न में, समझौता होगा वो भी रिटर्न में होगा क्योंकि पहले वरबली हम धोखा खा चुके हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यहाँ आओ तो हम आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, आप हमारे सम्मानित हैं। और अगर आप ये कहोगे कि भाई को अच्छी जगह अच्छे माहौल में इंडोर मतलब बातचीत करेंगे तो हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया और हम अपनी तैयारी के लिए फिर गांव के अंदर सारे लोग निकल गए, हम भी अब जा रहे हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं सुवेश सिंह बुरा, प्रेस सचिव किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा।